नंबर दो अपना और वो देना सुनिए। सर आपका? मेरा नाम डीपी सिंह चौहान है। आज ये दामोदर पास पर आप आ गए हैं। आज आपने क्या काम कार्यक्रम किया यहाँ? मेरा नाम डीपी सिंह चौहान है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ जनशक्ति एकता पार्टी का जी। और अभी मैंने अमर शहीद जी की फ़ोटो देखी तो यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी आए हुए थे, जो इतनी बड़ी राजनीति में रहे हैं और राजनीतिक परिवार से हैं, जिनका कल यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम था, जिन्होंने अपना प्रोग्राम सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में तो किया, अपना सम्मान तो किया, लेकिन हमारे भारत के राष्ट्रीय वो अमर शहीद सरदार सेठ दामोदर दास जी का अपमान किया, क्योंकि अपना प्रोग्राम करके उन्होंने और देखिए हमारे अमर शहीद जो हैं उनको एक माला तक भेंट नहीं की। वो देश में सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे, समाजवादी परिवार से रह चुके हैं, तो ये बड़े हमारे जो अमर शहीद हैं उनके अपमान की बात है और हम उनके इस कदम को उठाए हुए इसकी घोर निंदा करते हैं। तो आज क्या कार्यक्रम था? तो इनका प्रोग्राम जो था वो रैली का था और यहाँ वो अपने पार्टी वार्टी के कैंडिडेट और ये सब घोषित करके गए हैं। वीरपाल सिंह को बिथरी से किया है और एक चंद्रसेन सागर हैं उन्हें फरीदपुर से किया है, लेकिन दी हमें उसकी चिंता नहीं है, हमें चिंता इस बात की है कि हमारे अमर शहीद जो हैं सरदार सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में इनका अपमान हुआ है, हम उनकी जो उन्होंने किया है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मेरा नाम अरविंद चित्रांश है। क्या कहना चाहते हैं? और मैं सत्य सनातन रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। इस तरीके के जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो हमारे शहीदों का अपमान कर रहे हैं और देश की राजनीति करना चाहते हैं, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इसके लिए हमारी भारत की जनता को देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि हम किस ओर जाएं, क्या करें। जो हमारे शहीदों का अपमान करते हैं तो वो हमारा अपमान करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि वहीं पर अपना काम करिए जहां पर सरकार चुनिए, जो देश हित में करे, देश का शहीदों का सम्मान करे। भारत माता की जय, बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय सनातन। नाम बलवीर सिंह। क्या कहना चाहते हैं? जो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल ये जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे वो जो हमारे पूजनीय माननीय जो सरदार सेठ दामोदर दास स्वरूप जी जो है इनकी फूलमाला नहीं पहनाई गई और वो अपना प्रोग्राम करके वो चले गए। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतने महान व्यक्ति का जो है मतलब कि अनादर करा गया। इस मैटर में मैं जो है इस पार्टी ने जो कार्य करा है ये मैं घोर निंदा करता हूँ।